आज हम बनाएंगे सोया कबाब। पर 100 ग्राम्स इसका ग्लाइसेमिक लोड अप्रॉक्सीमेटली 4.3 है। एक बोल में हम 50 ग्राम्स सोया चंक्स ले लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे वार्म वाटर। और उसे 20 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। फिर उसे एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसका पेस्ट जैसा टेक्सचर बना लेंगे। फिर हम एक ब्लेंडर में लेंगे 30 ग्राम्स कोरिएंडर लीव्स, 20 ग्राम्स अनियन, 2 गार्लिक के पॉड्स, 10 ग्राम जिंजर और 2 हरी मिर्च। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक बोल में हम लेंगे 50 ग्राम्स डाइबेक्सी डोसा मिक्स। उसमें हमारे कोरिएंडर के पेस्ट को ऐड कर लेंगे। फिर उसमें ब्लेंड किए हुए सोया चंक्स को भी ऐड कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 नींबू का जूस, 1 स्वाद अनुसार न्यूट्रो एक्टिव मिनरल सॉल्ट। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 बैटर के हम कबाब बना लेंगे। एक पैन में हम ऑलिव ऑयल या घी ले लेंगे। उसमें हम इन कबाब को फ्राई कर लेंगे। कबाब को हम हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। आपकी सोया कबाब तैयार है। इसे आप क्यूकम्बर, अनियन और ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पर 100 ग्राम्स इसका ग्लाइसीमिक लोड अप्रॉक्सीमेटली 4.3 है।